नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में अब तक मॉनसून राहत से ज्यादा आफत लेकर आया है। वैसे बरसात तो सामान्य से 6% ज्यादा हुई है, लेकिन इस बार की बारिश किसी राज्य पर ऐसी मेहरबान हुई है कि वहां तबाही मचा दी, और किसी राज्य से ऐसी रूठी कि वहां पर हालात सूखे वाले हो गए हैं। यूं तो भारत में मॉनसून 1 जून को एंट्री लेता है और 30 सितंबर तक रहता है, हालांकि 31 जुलाई तक ये अपना आधा रास्ता तय कर चुका है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस बार के मॉनसून में राज्यों में बारिश का पैटर्न परेशान कर देने वाला है। देश के 10 राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, तो 9 राज्य अभी बारिश को तरस रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र की तस्वीरें सबने देखी। हिमाचल में तो बारिश ने वो तबाही मचाई जो आज तक हिमाचल में किसी ने नहीं देखी। न जाने कितने लोगों की जिंदगी बारिश की भेंट चढ़ गई और कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जो लोग इस तरह की आपदा से प्रभावित नहीं होते, वो यही सोचते हैं कि जहां बारिश ने तबाही मचाई वही लोग इससे प्रभावित होंगे, लेकिन उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि ज्यादा और कम बारिश इस देश में रहने वाले हर इंसान को महंगाई की शक्ल में प्रभावित करती है। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि 10 राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश और 9 राज्यों में कम बारिश होने की वजह से आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। अलनीनो के सक्रिय होने की वजह से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी सक्रिय नहीं हैं जितनी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 479 मिलीमीटर के साथ 19% कम बारिश हुई है। उत्तरी पश्चिम भारत में 290 मिलीमीटर के साथ 46% ज्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में 386 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 8% ज्यादा है। साउथ पेनिनसुला में 228 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 19% कम है। हालांकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं एक साथ सक्रिय हुई। इससे गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई। जुलाई में जिस तरह से बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद कहीं काफी ज्यादा और कहीं कम बारिश होने के औसत को देखें तो पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, दादर नागर हवेली और दमन दीव देश में ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। 1 जून से 30 जुलाई के बीच दादर और नागर हवेली में तो इस बार 100% कम बारिश हुई है। दमन और दीव में 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 94% कम है। हिंसा की वजह से खबरों में आए मणिपुर में 60% कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं ने इस बार अपने मूवमेंट की दिशा बदल ली। इस वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम में काफी बारिश हुई, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति बन गई। यहां तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी का पानी इस बार औसत से ज्यादा गर्म रहा। इस वजह से पानी के भाप बनकर उड़ने की दर ज्यादा है। यही वजह है कि वायुमंडल में नमी इस बार जितनी होनी चाहिए उससे 20% ज्यादा हो गई है। आने वाले हफ्ते में भी उन राज्यों के लिए अच्छी खबर नहीं है जहां पर बारिश कम हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की ओर से बारिश कराने वाली मानसूनी हवाओं के आने की संभावना नहीं है। जो थोड़ी बहुत हवाएं होंगी उनका असर ओडिशा, असम और बंगाल तक ही सीमित रहेगा। बाकी राज्यों में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। अब आपको बताते हैं कि खेती पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देश में खरीफ फसल की बुआई जून से अगस्त के बीच होती है। जून जुलाई में होने वाले बारिश से ही ये तय होता है कि देश में कितनी पैदावार होगी। वहीं अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश से ही देश के ज्यादातर तालाब, बांध और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। ऐसे में सामान्य से कम बारिश होने से आम लोगों पर कुछ इस तरह से असर पड़ेगा। 1 जुलाई 2023 तक सरकारी गोदामों में 71.1 मिलियन टन चावल और गेहूं का भंडार था। ये बीते 5 साल में सबसे कम है। आंकड़ों पर गौर करें तो बुआई के क्षेत्रफल में भी कमी आई है। चावल की बुआई का एरिया 399.45 लाख हेक्टेयर से घटकर
237.58 लाख हेक्टेयर हो गया है। बाजरा 73.24 लाख हेक्टेयर से घटकर 60.60 लाख हेक्टेयर है। मक्का 75.71 लाख हेक्टेयर से 69.36 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसके अलावा रागी, उड़द, कपास, ज्वार, अरहर, मूंग और गन्ने की बुआई का एरिया भी कम हुआ है, जिसका सीधा असर इनके दामों पर पड़ेगा और महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। चिंता वाली बात यह है कि कम बारिश की वजह से फसल तो कम होगी ही, साल 2024 में लोकसभा चुनाव की वजह से महंगाई भी होगी। चुनावी साल में महंगाई होना कोई नई बात नहीं है, ऐसे में आम आदमी की जेब में सेंध लगना तय है। बारिश कम होने से जब महंगाई बढ़ती है तो इस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में बदलाव करता है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। निवेशक उस बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं जहां स्थिरता हो। ऐसे में सूखा पड़ने पर बाजार की अस्थिरता को देखते हुए निवेशक दूसरी जगह पैसा लगाना पसंद करेंगे। जिन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा सूखे की संभावना है, वहां कम फसलों की बुआई होगी। हालांकि मानसून के शुरुआती 3 सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक फसलों की बुआई हुई है, उसके बाद बारिश कम होने से बुआई में कमी जरूर आई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हिमाचल और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश अच्छी होने की वजह से धान की बुआई का एरिया बढ़ गया है, जो दूसरे राज्यों की भरपाई कर सकता है। चिंता केवल इसी साल को लेकर नहीं बल्कि आने वाले वक्त की है। अगर हर साल मॉनसून का पैटर्न ऐसा ही रहा तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल के शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।